नमस्कार, स्वागत है हमारी रेसिपी पे। आज हम बनाएंगे उड़द और चने की दाल। ये बहुत ही टेस्टी दाल बनती है, उड़द चने की दाल। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें दाल चाहिए। देखिए, मैंने उड़द और चने की दाल ली है, और उड़द की दाल थोड़ा ज़्यादा है और चने की दाल थोड़ा सा कम है। तो मैंने देखिए करीब एक कटोरा दाल लिया है। तो आपने जितने दाने के लिए बनाना है वो हिसाब से आप दाल ले सकते हैं। अब ये दाल को हम वॉश करेंगे। ये देखिए, दाल को मैंने 3-4 बार वॉश किया है अच्छे से, और मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और हल्दी और 1 टीस्पून ऑयल, क्योंकि जब हम ऑयल डालेंगे तो ये दाल है जो उबलता नहीं है। अभी हम इसको इधर से भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे कुकर के, ताकि दाल हमारा उबल के बाहर नहीं निकलता। अभी गैस को मैंने ऑन कर दिया है, अभी इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। इसका ढक्कन बंद करके कम से कम 3 सीटियाँ हम इसको लगा लेंगे। चलो, 2 सीटी लग गया है, गैस को मैंने बंद कर दिया। अभी हम क्या इसको खोल के देख लेते हैं। ये सीटी बिल्कुल निकल गया है। जब भी आप कुकर में दाल बनाए, ये सीटी बिल्कुल, ये कुकर ठंडा होने के बाद ही आपने कुकर को खोलना है। उससे पहले कुकर को आपने बिल्कुल नहीं खोलना, नहीं तो फिर कुकर फट सकता है और आपके ऊपर सारा दाल आ जाएगा। ये देखिए, दाल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हम इसको तड़का लगा लेते हैं। मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। आप घी भी डाल सकते हो, ऑयल भी डाल सकते हो। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। और मैंने गार्लिक को इस तरह काटा है, गार्लिक डाल लेते हैं। ये जो उड़द चने की दाल होती है उसमें गार्लिक थोड़ा ज़्यादा डालो तो टेस्ट अच्छा आता है। गार्लिक को थोड़ा ब्राउन होने तक हम भून लेते हैं। गार्लिक हमारा ब्राउन हो गया है। अभी हम इसमें, मैंने एक ऑनियन को चॉप किया था, यह हम इसमें डाल लेते हैं। इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं जब तक ये ब्राउन नहीं होता। देखिए, हमारा जो ऑनियन है वो भी बिल्कुल ही ब्राउन हो गया है। जब भी आप दाल बनाए इसी तरह ब्राउन करके ऑनियन को और गार्लिक को अच्छे से ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी मैंने देखिए 2 टमाटर को मैंने चॉप किया है, ये भी हम इसी में डाल लेते हैं। और 1 चिल्ली मैंने इस तरह तोड़ा है, ये भी डाल देते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट, ताकि ये टमाटर जो है हमारा अच्छे से गल जाएगा। अभी अच्छे से, जब तक टमाटर अच्छे से गलता नहीं तब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए, टमाटर हमारा बिल्कुल गल गया है, और इसमें हम थोड़ा सा डाल लेते हैं 1/2 चिल्ली पाउडर। आपको जितना स्पाइसी खाना है वो हिसाब से आप डालें। और डालेंगे इसमें सूखी हुई जो मेथी होती है वो, तो भी हम अच्छे से भून लेते हैं। तुड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हम इसमें दाल ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरह दाल बनाएंगे सचमुच ही बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि ये जो उड़द चने का दाल होता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में।
और बहुत ही टेस्टी भी ये बनता है। तो इस देखिए इस तरह ज़रूर आप बनाएं और मेरे रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जिंजर को मैंने इस तरह लंबा लंबा काटा है। जो उड़द चने की दाल होती है उसमें जिंजर ज़रूर डालें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये भी हम ऊपर से डाल देते और इसको दो मिनट हम बस दो मिनट इसको पकाएंगे, उसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे। देखिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और गैस को मैंने बंद कर दिया है और ऊपर से हरा धनिया से गार्निश किया है। तो इस तरह दाल बनाए आप राइस के या रोटी के साथ, आप किसी के साथ भी आप सर्व करें, ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। Thank you.